श्री राम दोस्तों, फिर से एक नया सफर टीम मेंबर के साथ में, एक नए जगह पर, एक नए काम से। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? पता नहीं। गेस कीजिए, गेस कीजिए, गेस कीजिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गेस कीजिए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग सर? कहाँ जा रहे हैं सर? आप लेट क्यों आते हैं? आपके कारण ट्रेन मिस हो गई है सर। ट्रेन लेट हो सकता है क्या भाई? पहले बार ऐसा हुआ है कि इस बंदे के कारण ट्रेन मिस हो गई है। आप लोग जानते हैं हम लोग टाइमली पहुंचते हैं, बिफोर पहुंचते हैं, इंतजार करते हैं। पहले बार ऐसे हुआ है सर के कारण, वेट करना पड़ा, ट्रेन मिस हो गया। कोई बात नहीं, पसिंदर में जाने का प्लान था होते हुए लेंगे। तो हाँ दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट हो गया है भाई। जिस पसेंजर ट्रेन से हम जाने वाले थे चकदपुर, वो ट्रेन कैंसिल हो गई। अब हुआ ये कि अब पहली ट्रेन है मॉर्निंग में 7:30 को थी। तो हम लोगों को काफ़ी नींद आ रहा था, तो हम लोग सोचे एक पावर नैप ले लें। और सभी आ गए एसी लॉन्ज में, सभी वहीं पर लेते हुए हैं। बहुत तकलीफ है भाई, बहुत तकलीफ है। नहीं, जिन लोगों को सुबह उठने का आदत नहीं है ना, उनका हाल ऐसे ही होता है। देख रहे हैं, बहुत अच्छा एक पावर नैप हो गया। सीट काफी, चेयर काफी कंफर्टेबल है। अभी ट्रेन आ रही है तो चलते हैं फिर। ये रही हमारी गीतांजलि ट्रेन, अभी इस ट्रेन से हम चलेंगे चकदपुर। पहुंचे हैं चकदपुर आज का। कुछ बच्चों का ये राहुल के बाहर पहला टूर है, तो पूरा मजा लिए हैं पूरा। तो मिलते हैं फिर सर। सर इनमें अच्छा लग रहा है सर? राहुल के से बाहर निकल कैसे लग रहा है सर आपको? पहले बार कैसे लग रहा है सर? राहुल के बाहर भी दुनिया देखिए सर। सर को चिप्स चाहिए था, जिद कर रहे थे, लेकिन हमें बताया अभी चिप्स नहीं, बाद में देंगे। चिप्स कुरकुरे 100 बार बोलने के बाद एक बार खरीद के देते हैं सर। बहुत नाइंसाफी करते हैं। अरे बच्चे हैं ना, बहुत अच्छे। अरे बच्चे चलते ही रोल में आ जाते हैं भाई। बिल्कुल बच्चे बिगड़ ना जाए बोल के हम जो खाने वाला चीज ही देते हैं। क्या देते हैं? पकाल भात। सर जो इनकम ज्यादा है समझ में। चले फिर चलते हैं, जाम हो जाना है। ये रहा अपना चकदपुर स्टेशन, और वो रहे हमारे टीम मेंबर इला मैम, रंजीत सर एंड रमेश सर। उनके साथ में चलेंगे जहाँ जाना है हम उनको। आप थोड़ी बाद आपको मालूम चल जाएगा क्यों हम लोग आए हुए हैं, ठीक है? तो दोस्तों अभी हम लोग हैं टोटो पे। टोटो का मजा कुछ अलग है भाई। ये भाई साहब हैं जो हमारी साथी है, सारथी है, सारथी है। तो बता दूं दोस्तों हम लोग क्यों आए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ आने का रीजन ये है कि यहाँ पर जैसे आप सभी को मालूम होगा कि राजमपुर में हम लोगों का पहला ट्रेडिंग कैफे खुला है, और चकदपुर में भी हम बहुत जल्द एक ट्रेडिंग कैफे खोलने वाले हैं। तो जो लोकेशन है उसको फाइनल करने आए हैं हम लोग कि कहाँ खोलेंगे। तो दोस्तों ये रहा वो ट्रेडिंग कैफे जहाँ पर हम लोग आए थे विजिट करने चकदपुर का। देखिए किस तरह है, इस सब रोड है, रोड की साइड में ये मार्केट कॉम्प्लेक्स है। आशीष सर कैसा रहा सर काफी कैफे? सही है सर, आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इस जगह का। एक बार दिखा देते हैं कैफे किस तरह है। ये रहा एक बड़ा सा हॉल, ठीक है। ये रहा टीम मेंबर रंजीत सर एंड इला मैम, ये वॉश बेसिन है, ये वॉशरूम है, और यहाँ से भी एक गेट है एंट्री, यहाँ से भी किया जा सकता है।
ये वो बड़ा सा किचन है, तो दोस्तों बताइए कैसा रहा, कैसे लगा आपको? हम लोगों को तो काफी अच्छा लगा, और बहुत जल्द कुछ स्टार्ट करते हम लोग, आपका गुड विशेस बने रहे। और ये शायद दूसरा ट्रेडिंग कैफे हो राजमपुर के बाद चक्रपुर। अभी राइट नाउ सिकंदरी ब्रांच में टेक्निकल एनालिस्ट 2 का डाउट क्लियरिंग क्लासेस हो रहा है, यहाँ के जो भी मेंबर है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका डाउट क्लियर किया जा रहा है। क्लास जैसे होगा फिर हम लोग चलेंगे आजाद प्लीज, फिर आओगे लंच बैक टू दी होम। पहले लंच कर रहे हम लोग, लंच करने कहाँ पर आए? सागर रेस्टोरेंट, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है चक्रधरपुर का। ये रही टीम लंच के लिए रेडी, सब भूख से तिलमिला रहे हैं, कुछ बच्चे तो रो भी रहे हैं। बाबू खाना खाओगे? बाबू भूख लग रहा है, हैं? हैं? कल क्लास है? अरे सुमन मैम ज्वाइन कर ली अचानक, चौपर से उड़ती हुई लैंड की चक्रधरपुर में अचानक, सरप्राइज विजिट। देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी ये डायरेक्ट एडमिन सर को रिपोर्ट करेगी, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। अरे बाबू खाना मिलेगा, बाबू भूख लग रहा है मुझे मालूम है, क्योंकि सर क्या है ना सुबह से नाश्ता नहीं किए हैं, ठीक है, बस बस हम लेके आए 4 इडली 4 बड़ा 2 दही बड़ा और 1 वेज फ्राइड राइस खाएं, बस इतना ही खाएं। तो सर को काफी भूख लग रहा है, सर रो रहे, सर मत रोइए, बराबर मिलेगा, सर आंसू सूख चुके हैं, बराबर मिलेगा खाना नहीं है। तो दोस्तों खाने को एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं ट्रेन में। तो दोस्तों सीकेपी टू रोवर कैफे का जो एरिया था काफी अच्छा था, हम सभी को पसंद आया। तो राइट नाउ हम सभी ने डिसाइड किया कि उसको लेकर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्द वहां पर कैफे खोलेंगे, और बैक करते हैं, ट्रेन आ रही है आजान हिंद ट्रेन से हम लोग वापस राउरकेला चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को अपना पूरा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो तब तक के लिए जय श्री राम। कर दो यार, पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।